जय जीवदानी। गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना। मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे दोस्तों मित्रों का करती हूँ तहे दिल से स्वागत। आज का ये जन्म आपका बहुत अच्छा हो, आपके सारे काम बन जाएं और आप खुश रहें, एंजॉय करें ये डे, ऐसी मेरी मंशा है। एक सद्विचार आया मेरे दिमाग में, मैंने कहा आपको शेयर करूँ। मैं कई बार ऐसे होता है कि हमारी किसी से ठन जाती है और हमें बड़ी बेचैनी होती है, हमें वो इंसान या बहुत प्यारा होता है और हम उसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन किसी कारणवश हमें उसे छोड़ना पड़ जाता है या कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो बीच में आ जाती हैं। ऐसे में आपके मन की बेचैनी बहुत बढ़ जाती है और आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, छाती में तबीयत खराब हो जाती है। तो या तो आगे बढ़ के अपनी गलतियां हो तो कबूल कीजिए और स्थिति से बाहर निकलिए, ताकि आपके शरीर के अंदर आपके हार्मोन्स ठीक रहें और आपकी तबीयत ठीक रहे। और साथ में ये स्वार्थ के लिए भी है और परमार्थ के लिए भी है। अगला इंसान भी खुश हो जाता है कि आपने सामने से फ़ोन किया और सॉर्ट आउट कर लिया। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं बदलती तो खुद को अंदर से दृष्टा भाव से देखिए। जैसे कामिनी खन्ना को बहुत तकलीफ हो रही है, बेचैनी हो रही है हार्ट में, तो अपने हार्ट को दृष्टा भाव से दूर से देखती हूँ कि कामिनी खन्ना के साथ क्या घटित हो रहा है, और उसको वॉच करने से, देखने से फीलिंग को धीरे धीरे वो फीलिंग ख़त्म हो जाती है। ये मेरे साथ मेरी एक बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाली सहेली शोभा ने शेयर किया था और मैंने आपसे शेयर किया। मुझे इससे फ़ायदा हुआ, आप सभी को भी इससे फ़ायदा होगा, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। फिर मिलूंगी इसी तरह। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय द डे।